राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत से ठोस और अच्छी खबर आने वाली है। ये एक ट्वीट उनकी तरफ से आया है और इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से एक अच्छी खबर, एक ठोस कदम की जानकारी सामने आ सकती है, ये खबर आने वाली है। अब इसे किस तरह से एनालाइज किया जाए कि किस तरह का ये कदम हो सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये ट्वीट आना अपने आप में बहुत अहम इस वक्त और निर्णायक भी ये हो सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया की निगाहें इस वक्त इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, टकराव की जो स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर ये सूरतेहाल आगे किस दिशा में जाएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं, भारत एक बड़ी ताकत है, और ऐसे में जिन हालात से अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते गुजर रहे हैं उसको लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश इस वक्त निगाहें इन परिस्थितियों पर टिकाए बैठे हैं, और ऐसे में भारत और पाकिस्तान से ठोस और अच्छी खबर आने वाली है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। इससे पहले भी वो लगातार ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक को लेकर कड़े कदम उठाए, आतंक की फैक्ट्री को अपने यहां पर बंद करे। लेकिन इस ट्वीट का क्या मतलब हो सकता है, आपको तफसील से हम दिखा रहे हैं कि अब तक कब कब अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हालात बेहद भयावह हैं। 19 फरवरी को ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था, फिर 23 फरवरी को कहा कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन अब ये क्या बड़ा कदम हो सकता है। देखिए, आतंकवादियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सामने आया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञों का पैनल लगातार मौजूद है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, अमेरिका की तरफ से ये कहना कि भारत पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस और बड़ी खबर आ सकती है, किस तरह से आप इस ट्वीट को देख रहे हैं, इस जानकारी को देख रहे हैं? देखिए साहब, जब पाकिस्तान ने ये आतंकवाद का दौर शुरू किया था उस वक्त अफगानिस्तान में जंग चल रही थी, अमेरिका को पाकिस्तान की निहायत सख्त ज़रूरत थी, उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्वेटा और पेशावर से होके गुजरते थे, अतः भारतवर्ष को बोला गया कि ठीक है साहब, आपके लोग मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा अपने लोगों को चुप करा दीजिए, न्यूक्लियर धमकी का डरा दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरकार आई थी इन पावर, तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान को खूब आड़े हाथों लिया था। अब थोड़ी हालात बदली हो गई है, फिर से फ्लिप फ्लॉप हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान अब तालिबान से बातचीत करा रहा है अमेरिका की, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान पे फिर मेहरबान हो गया है। क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के शायद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही आए हैं और 20 अरब डॉलर का तोहफा पाकिस्तान को दे देंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश यार। अब सर मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन को मैं हमारी संवाददाता गीता मोहन से और डिटेल में लेना चाहूंगी। गीता, ये जो ट्वीट सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छी खबर आने वाली है, अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए, क्या शांति की तरफ या बातचीत की तरफ ये कोई कदम हो सकता है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेजिंग था अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका के स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी जो एक्शन डिफेंस सेक्रेटरी है, और दोनों न केवल पाकिस्तान के साथ भारत के साथ भी बातचीत लगातार कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ लंबी बातचीत हुई सेक्रेटरी पोम्पियो की, और उसके बाद जब उन्होंने किया ट्रंप को, जो वियतनाम में अभी नॉर्थ कोरिया के साथ मीटिंग हो रहे हैं उनके, वहां पर उन्होंने नॉर्थ कोरियन मीटिंग के बाद ये अनाउंसमेंट किया, तो फीलर्स तो बहुत दोनों तरफ से गए हैं कि डी एस्केलेशन की जरूरत है। और मीनाक्षी, अगर आप स्टेटमेंट भी देखें पाकिस्तान की तरफ से, तो डी एस्केलेशन की तरफ ही स्टेटमेंट है। ये देखना होगा कि जो हमारे कैप्टन, जो हमारे पायलट है वहां पे, विंग कमांडर अभिनंदन, उनको कब रिहा किया जाएगा और कैसे रिहा किया जाएगा।